मेरा आधी कहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर होगा तुम लोग अपने राजमहल में लौट जाओ, जहां पे दासियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए। नहीं श्रीमान, आप जैसे गुण और ज्ञानी से तो हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं। हमें कृपा करके बताइए मेवाड़ की समस्या हम कैसे। एक विचार बार बार मुझे परेशान करता है कि तुम जैसा अज्ञानी और भावुक व्यक्ति आने वाले समय में मेवाड़ की राजगद्दी पे विराजित होगा। ये बच्चा जो गुफा में फंस गया था, यदि बालक शक्ति ने मुझे ना बुलाया होता और मैं समय रहता यहां ना पहुंचा होता तो संभव था तुम्हारे दल के इस सदस्य के प्राण निकल गए। किस प्रकार के लापरवाह नेता हो तुम। हम इन गुफाओं में पहली बार आए श्रीमान, हमें इतना कुछ नहीं पता था। राजा के बेटे हो, राजगद्दी पे हक है तुम्हारा, राजा भी बन जाओगे। अगर किस प्रकार के राजा, जिस प्रकार तुम गुफा के बारे में कुछ नहीं जानते, साथ ही मरते हैं तो मरे, उसी प्रकार प्रजा मरती है तो मरे। कैसा होगा वो राजपाट और कैसे होगे राजा तुम, हैं इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुमने कभी इनके बारे में सोचा नहीं। अगर मैं जानता हूं, अज्ञानी भाव ईर्ष्यालु अहंकारी राजा, बहुत जल्दी तुम्हें युवराज बना दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा हक है, इसलिए बिना शिक्षा दीक्षा के तुम राजा भी बन जाओ। जब ऐसे बच्चे बनने वाले हैं राजा मेवाड़ के, तो क्या होगा भविष्य मेवाड़ का। ईश्वर ही रक्षा करे मेवाड़ की। तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बनाऊं। राजन, दक्षिणात्य राजकुमारों को शिक्षा देने के बाद हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई कि पीढ़ियों तक आनंदित जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए फिर हमने शिक्षण से संन्यास ले लिया। किंतु जब हमें इस बात का पता चला कि आप कुंवर प्रताप के लिए योग्य गुरु की खोज कर रहे हैं, इसलिए फिर हमने संन्यास त्याग कर फिर से शिक्षण के लिए मानस बना लिया। संन्यास लेने के बाद फिर उसका त्याग क्यों आचार्य जी? ऐसा इसलिए राजन कि जैसे आपको योग्य गुरु की खोज रहती है ना, उसी तरह से हमें योग्य शिष्य की खोज रहती है। ऐसा शिष्य जो हमसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब इतिहास में गौरव और कीर्ति से अमर हो, तो उसके साथ साथ हम भी इतिहास में अपना छोटा सा स्थान प्राप्त कर लें। आचार्य जी, आपने हमारे पुत्र के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, हम आपके मन से आभारी। आप सभी आचार्य राजमहल में आके राजमहल का जो मान सम्मान बढ़ाए, उसके लिए मैं मेवाड़नाथ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत शीघ्र ही मेवाड़नाथ जब इस विषय पर अपना निर्णय सुना देंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। हुकुम, किन्हें चुना आपने कुंवर प्रताप और बाकी राजकुमारों के लिए? किसी को नहीं, परंतु हुकुम, ये राजपूताने के ही नहीं, सारे भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। आप सच कह रहे हैं, पर इनकी ख्याति कुंवर प्रताप को बांध नहीं पाएगी। कुंवर प्रताप को परंपरागत परिपाटी से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने की भूख, और परंपरागत परिपाटी का अनुगमन करने वाले ये विद्वान ना तो स्वयं इस परंपरा से कभी बाहर निकलेंगे और ना ही कुंवर प्रताप की जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। और वैसे भी जो गुरु अपने शिष्य के गुणों से इतना प्रभावित हो, वो अपने शिष्य को सही मार्ग क्या दिखाए।
ये तो अभी से कुंवर प्रताप का स्तुतिगान कर रहे हैं। अतीत की भांति भविष्य में भी जब हमारी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आएगा तो आप अपना सर्वस्व लुटाने वालों की पंक्ति में अग्रणी होंगे। मेवाड़ पे आने वाला संकट हो तुम अज्ञानी भाव ईर्ष्यालु अहंकारी राजा। हाँ धीराज लीजिए, आप यहाँ हैं और वहाँ रानी मासा पूरे महल में आपको ढूंढ रही है। गिरजा जी, आप रानी माँ से जाके कह दीजिए हम उनसे कुछ देर बाद मिलते हैं। और बावजी राज खाने के समय पधार जाइएगा क्योंकि छोटी मासा ने राज रसोइये से कहकर आपके मनपसंद पकवान बनवाए हैं और काफ़ी देर से आपने कुछ खाया भी नहीं है। हमें भूख नहीं अभी। ऐसा क्यों कुंवर प्रताप, आपको भूख नहीं है? आप कुछ खाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम इस योग्य नहीं है रानी माँ। इन मनुहारों के, इन पकवानों के ऐसा किया क्या है हमने? क्या हुआ, क्या बात है बेटा? हुआ ये है रानी माँ, सब लोग हमसे झूठ बोलते हैं। राजी राज दरबारी छोटी माँ लोहार हमारे मित्र सब लोग कहते हैं कि प्रताप आप महान है, प्रताप आप सर्वश्रेष्ठ है, प्रताप आप ही जो आने वाले कल में मेवाड़ के भविष्य सब झूठ, सब झूठ। हमें तो ये कहते हुए डर लगता है रानी माँ, पर हमारे पूर्वजों तक ने हमसे झूठ कहा। उठाने दी थी उन्होंने ये अपनी खानदानी तलवार हमें, क्यों इन्होंने हमें झूठा विश्वास दिया कि हम महान हैं? क्यों माँ, हम इतने नासमझ कैसे हो गए? जिसे ढंग से तलवार तक पकड़नी नहीं आती वो स्वयं को वीर मानने लगा है। ना खोखला आत्मविश्वास, हम मेवाड़ के भावी राजा बनेंगे कैसे करेंगे हम मेवाड़ के रक्षक? नहीं, हम तो केवल एक साधारण सिपाही जितने भी नहीं। हम मेवाड़ के राजा बनने के योग्य तो है ही नहीं माँ। हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता माँ। कोई भी सफलता अंतिम सफलता नहीं होती और ना ही कोई असफलता किसी यात्रा का अंत। आप बार बार वही भूल दोहरा रहे हैं। सफलता के मद में अभिमान करना भी भूल है और असफलता के दुख में एकदम से निराश होना भी भूल है। तो फिर हम क्या करें रानी माँ? जो सच है
उससे आंख मिलाना सीखी। साहस से आगे बढ़ूंगी तो जीत भी आपको कुछ सिखाएगी और हार भी आपको कुछ सिखाएगी। किससे मिले थे आज आप? हम एक आचार्य से मिले थे। हम गुफा में गए थे रानी माँ। आचार्य जी ने हमें पहली बार दर्पण दिखा दिया। उन्होंने हमें सिखा दिया रानी माँ कि जो अपनी प्रशंसा को सच मानकर उसमें डूब जाता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उनकी वजह से हमें समझ आ गया माँ कि किसी भी दायित्व को अपने कंधों पर उठाने से पहले हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है। यही नियति का सच्चा न्याय है कुंवर प्रथा। जिस समय आपके दाजीराज आपके लिए योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं उसी समय विधाता ने आपको ऐसे आचार्य से मिलवा दिया जो आपके ज्ञान की भूख, विचारों की भूख और समझ की भूख को मिटाकर आपको सही मार्ग दिखाए। ऐसे ही होते हैं वे जिनको आदर्श गुरु कहा जाता है। क्या ऐसा सच में है रानी माँ? चलिए निकलिए इस निराशा से बाहर। देखिए सामने जीवन का नया अध्याय है, पढ़िए उसे। राणा जी, घनी खम्मा, हमें लगता है कुंवर प्रताप अपने आदर्श गुरु से मिल चुके हैं। अपनी पहली छोटी सी भेंट में ही इन गुरुवर ने कुंवर प्रताप को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे डाली है। अब समस्या बस इतनी है कि कुंवर प्रताप को न तो इनका नाम पता है और न ही निवास। आप उन्हें ढूंढ ले तो ये आचार्य प्रताप के लिए सर्वथा योग्य गुरु साबित हो सकते हैं। सुल्तान सिंह जी, हुक्म। अब हमें आचार्य खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। रावत जी से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे लिए किसी को खोजना है। हुक्म। जाइए। सारी तैयारियां हो गई है ना? हमें तो तीज के त्योहार में बड़ा ही आनंद आता है और किसी त्योहार में आता ही नहीं। जितना सजना है, सवरना है, सवर लो, लाली सुरमा सब लगा दिए हमने। क्या बात है, क्या बात है बेना। तीज का त्योहार तो हर वर्ष आता है और हम तो इसी आस में हर वर्ष सजते हैं, सवरते हैं, इतना कुछ करते हैं कि चलो राणा जी इस वर्ष तो हमारे साथ तीज बना ही लेंगे। पर क्या करें, उनकी आपसे नजर हटे तब तो वो हमें देखे। किसे देख रही हैं आप? कुकुया जी। या जी? जी महारानी साहब, एक बार हमारा श्रृंगार देख लीजिए ना। हम अभी तैयार होके आते हैं जीजा। हाँ बहना, चलिए। याची, आचार्य वाली बात आगे बढ़ी। मेवाड़नाथ कई आचार्यों से मिल चुके थे पर अब तक किसी का चुनाव नहीं किया है उन्होंने। जीजा ने प्रताप को युवराज घोषित करने से पहले उनकी किसी योग्य गुरु से शिक्षा वाली बात रखकर अनजाने में हमारी सहायता की है। अब हमें आगे क्या करना है सोचने का समय मिल गया है। कोई हमसे पूछे ना याची, आचार्य मिलने में जितना समय लगेगा उतना ही लाभ होगा हमारा। महारानी जयवंता बाई पधार रही हैं। आपने क्यों कष्ट लिया जीजा? हमने कहा था ना कि तीज की सारी तैयारियां हम और सज्जा जीजा कर लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है बेना। हम यहाँ इसलिए नहीं, किसी और काम से आए हैं। बेना सज्जा, हम खास आपको ये बताने आए हैं कि हमारे राजकुमारों के लिए योग्य गुरु का चुनाव हो गया है। अरे वाह जीजा, ये तो बड़ा ही अच्छा समाचार दिया आपने इस शुभ अवसर पर।
पर वे है कौन और कब से देना शुरू कर रहे हैं वो शिक्षा हमारे पुत्रों को? कौन है ये तो हमें भी नहीं पता चला, पर चुनाव हो गया है, ये है महत्वपूर्ण बात। हमें तो इस बात का भी संतोष है कि कुंवर प्रताप अब समझदारी के साथ साथ अपना बचाव करना भी सीख जाएंगे। बिल्कुल जीजा, बहुत आनंद हुआ हमें ये सब सुन के। हम चलते हैं। अब कुंवर शक्ति भी प्रशिक्षित योद्धा बन जाएंगे। पैडा हम कितने खुश हैं कि बस खुशी के मारे भाई तो सांस ही भूली जा रही है। सांस भूलने वाली खुशी तो तब होगी ना जीजा, जब प्रशिक्षण के बाद गुरुजी ये कह दे कि कुंवर शक्ति को ही भावी राजा घोषित कर दिया जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं बहन? आप हमारे साथ परिहास कर रही हैं। परिहास क्यों जीजा? हमने तो राणा जी को भी यही कहा था कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। मानते हैं प्रताप ने किले पर मेवाड़ी ध्वज फहराया, पर इससे वो कल के मेवाड़ के राजा? ये तो बड़ा निर्णय है ना जीजा। हमें लगता है कि सारे राजकुमारों को बराबर अवसर मिलना चाहिए, जो सबसे योग्य हो उसे चुने मेवाड़ का भविष्य। इतनी हड़बड़ी क्या है निर्णय लेने में? मेवाड़ के भविष्य की बात है ना। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही बहना, एक कुंवर शक्ति भी युवराज घोषित किए जा सकते हैं। सज्जा बाईसा के मन में उनके शक्ति के लिए संभावनाओं का ये जो बीज हमने बोया है, समय आने पर ये बीज बड़े मीठे मीठे फल देगा। महाराज, आपके आज्ञानुसार हमने सभी राज्यों से संपर्क किया है और उन्होंने अपनी एक सूची भेजी है जो हमने इसमें अंकित कर ली है। क्षमा करें दाजीराज, हम कुछ देर बाद आ जाएंगे। रुकिए कुंवर प्रताप, आप अंदर आ सकते हैं। सुल्तान सिंह जी, क्या बात है कुंवर प्रताप? कुछ नहीं दाजीराज, हम कुछ देर बाद आते हैं। पहले तो आप यहाँ हमारी चल रही महत्वपूर्ण मंत्रणा के बीच बिना पूर्व आज्ञा के आ जाते और फिर पूछने पर बिना संतोषजनक उत्तर दिए जाने लगते। आखिर बात क्या है कुंवर प्रताप? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है, बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। दाजीराज, हम वो सब सीखना चाहते हैं जो हम नहीं जानते। हथियारों की बातें, वेद पुराण की बातें, जिनको आज हम किसी भी योग्य नहीं लगते, कठिन परिश्रम से हम उनके मन में भी अपने लिए स्थान बना लेंगे दाजीराज। इसीलिए नहीं, क्योंकि हम आपके पुत्र हैं। हम अपनी क्षमताओं से देश की सेवा करना चाहते हैं दाजीराज। कुंवर प्रताप, शीघ्र ही आपको ये सब जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, सीखने का अवसर मिलेगा। हरी खम्मा राणा जी। आइए रावत जी। राणा जी, बाऊजी राज प्रताप और अन्य राजकुमारों के प्रशिक्षण हेतु जिन गुरु को खोजने का उत्तरदायित्व आपने हमें सौंपा था, एकलिंग नाथ जी के आशीर्वाद से हमने उस उत्तरदायित्व को पूर्ण किया है। बहुत अच्छे रावत जी, बहुत अच्छे। बताइए उनके बारे में। राणा जी, उनका नाम है आचार्य राघवेंद्र। वंशावली उनकी निर्बाध रूप से रघुकुल तक जाती, वेद पुराणों के प्रचंड ज्ञाता, सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को संचालित करने में पारंगत होने के साथ साथ वो धनुर्विद्या के भी ज्ञाता हैं। अपने मन आत्मा और शरीर को एकाकार करके आचार्य जी बड़े से बड़ी चट्टान को अपने हाथों से हिला सकते हैं। राणा जी, इस समस्त राजपुताने में उनके जैसा गुणी आचार्य
कोई दूसरा नहीं हो। रावत जी, राजपुताने के इतने गुणी आचार्य के बारे में आज तक हमने सुना क्यों नहीं? वो इसलिए राणा जी, क्योंकि आचार्य राघवेंद्र सदैव जंगलों और गुफाओं में ही रहते हैं। और हाँ, अपने शिष्य का चयन वो स्वयं करते हैं। जब ऐसे बच्चे बनने वाले हैं राजा मेवाड़ के, तो क्या होगा भविष्य मेवाड़ का? तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बना। बस रावत जी, तो फिर ये तय रहा, कुंवर प्रताप और दूसरे राजकुमारों को आचार्य राघवेंद्र ही शिक्षा देंगे। कुंवर प्रताप आपके गुरु होंगे आचार्य राघवेंद्र। तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बना। क्या बात है, लगता है हमारे इस निर्णय से आपको प्रसन्नता नहीं हो? नहीं नहीं दाजीराज, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस वो थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम प्रशिक्षण लेकर उनके लिए स्वयं को तैयार कर लेते। कुंवर प्रताप, स्वयं ही अपना प्रशिक्षण करने में क्या लाभ, जब आचार्य राघवेंद्र ही आपको प्रशिक्षण देंगे? नहीं, वे कहीं हमें। जाइए कुंवर प्रताप, जाकर तैयार हो जाइए। हम अभी आचार्य राघवेंद्र के आश्रम के लिए निकल रहे हैं और फिर तीज के उत्सव के लिए हमें समय पर वापस भी लौटना है। जाइए। हुकुम। बाबूजी राज, आपने हुकम से कहा क्यों नहीं? ये वही आचार्य जी है जो आपको मेवाड़ के राणा बनने के युग समझ ही नहीं रहे थे। हम कैसे बोलते सो? यदि हम कहते तो हमारी गुफा में जाने वाला सारा दुस्साहस राजीराज को पता चल जाता और वहाँ की सारी बातें उनके सामने आ जाती सो। और क्या बाबूजी राज? और दाजीराज ने हमें आचार्य जी के बारे में जो जो बताया उससे तो हमें यही लगता है सो, राघवेंद्र आचार्य जी जैसा अच्छा गुरु हमें कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए उनका क्रोध शांत हो जाए और वे हमें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। पर बाबूजी राज, क्या सादी वेशभूषा देखकर आचार्य जी का क्रोध ठंडा हो जाएगा? क्या पता सो, आचार्य जी का क्रोध हमारी सादी वेशभूषा देखकर ही कुछ कुछ शांत हो जाए। तो सारे प्रयत्न कर रहे सो, अब आगे एकलिंग जी की इच्छा। दादा भाई घबराइए मत, साधारण वेशभूषा में देकर क्या पता आचार्य जी का आप पर वो गुफा वाला गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। बाकी वहां तो उन्होंने आपको साफ साफ बोल ही दिया था कि आप जैसे को वो कभी अपना शिष्य ना बनाए। भाई शक्ति धीरे बोलिए, कल जो हुआ उसका पता दाजीराज को नहीं चलना चाहिए। गवा क्यों रहे हो दादा भाई? हमको भी विश्वास में आनंद मिल रहा है, उसको गवाना नहीं चाहते हैं हम, पर मन है कि मानता ही नहीं। बस एक ही इच्छा बार बार कर रहा है कि देखें क्या होगा जब आश्रम में आप और आचार्य जी आमने सामने होंगे। दाजीराज, ये सब कुंवर शक्ति, गुरु के आश्रम का वातावरण ऐसा ही होता है। आप लोग कौन हैं तथा किससे मिलने हैं श्रीमान? हम राणा उदय सिंह हैं और यहाँ आचार्य राघवेंद्र जी से मिलने आए हैं। क्षमा करें महाराज, यदि आपको हमारे आचार्य जी से मिलना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हमारे आचार्य अभी ध्यान कर रहे हैं। उनका ध्यान पूर्ण हो तब तक यदि आप चाहे तो हमारा आश्रम देख सकते हैं महाराज। बालक, आप मेवाड़ के राणा को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं?
कृपया धीरे सुर में बोलिए श्रीमान, शोर से हमारे गुरुजी का ध्यान भंग हो सकता है। सुरतन सिंह जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज हम यहाँ मेवाड़ के राणा की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से आए हैं, अपने बच्चों को इस आश्रम में प्रवेश करवाने के लिए। दाजीराज, आचार्य जी तो केवल अपने हाथों पर ही उल्टे खड़े हैं। ध्यान करने की कितनी अद्भुत मुद्रा है। मेवाड़नाथ, आप हमारे आश्रम पधारे, ये हमारे आश्रम के लिए बड़े गर्व की बात है। आइए ना, जब तक हमारे गुरुजी अपना ध्यान पूर्ण करें, मैं आपको हमारा आश्रम दिखाता हूँ। आइए। सुनिए, हम आचार्य जी की ध्यान मुद्रा वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम उनके ध्यान में बिल्कुल भी विघ्न नहीं डालेंगे और उनसे थोड़ा दूर ही रुक जाएंगे। ठीक है, परंतु आपको अपनी मुद्रियाँ यहीं उतारनी पड़ेंगी और वहाँ जाकर एकदम शांत रहिएगा। गुरुजी के ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, बस। ठीक है। क्या मुजड़ियां उतारनी पड़ेंगी? भाई शक्ति, जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लीजिए। चलिए महाराज, चलिए। आप यहाँ शांति से खड़े रहिए, आचार्य जी के ध्यान में विघ्न पड़ सकता है। पर वो ततैया, हम निवेदन करते हैं आपसे, शांत शांत। ठीक है, शांत। अरे भाई, अरे भाई सुनिए, ये ततैया, अरे आचार्य जी, अज्ञानी बालक, तुमने हमारा ध्यान तोड़ने का तो साहस किया है। आचार्य जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम राजन। आचार्य जी, हम अपने पुत्र के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जैसा महान राणा हमारे साधारण से आश्रम में आने का कारण बताएंगे राजन? आचार्य जी, हमने आपके ज्ञान की, आपकी क्षमताओं की बहुत प्रशंसा सुनी। बताने वाले तो आपको समूचे भारत खंड का सर्वश्रेष्ठ गुरु बताते हैं। इसलिए हम आपके पास एक विनम्र विनती लेकर आए। हम चाहते हैं कि आप हमारे राजकुमारों को अपने चरणों में बैठने का अवसर दिए और इन्हें अपना शिष्य बनाकर अपने ज्ञान के सागर में से अंजलि भर शिक्षा दें और इन्हें भी अपनी तरह शूरवीर और विद्वान बना दें, तो हम आपके आभारी रहेंगे। क्षमा कीजिए राजन, मैं आपके पुत्रों को शिक्षा नहीं दे सकता। मेवाड़ के राणा को
आज तक किसी ने ना नहीं कहा। सुल्तान सिंह जी, हम यहाँ मेवाड़ के राजा की हैसियत से नहीं आए। अगर आचार्य राघवेंद्र जैसा गुणी गुरु हमारे पुत्रों को शिक्षा नहीं देना चाहते तो अवश्य इनके पास कोई उपयुक्त कारण होगा। आचार्य जी, एक बार फिर से हमारा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए, कुंवर प्रताप आपने सुना नहीं हमने क्या कहा, चलिए यहां से। आचार्य जी, आप ध्यान में थे और ऐसे में कहीं वो ततैया आपको काट लेता तो हमें आपसे शिक्षा कहाँ से मिलती आचार्य जी, इसीलिए हमें चिल्लाकर आपको सचेत करना पड़ा, हमें क्षमा कर दीजिए। वो ततैया विषैला था या नहीं, इस बात का बोध था तुम्हें, उसी प्रकार तुम्हें उस गुफा का ज्ञान भी नहीं था कि क्या वो गुफा सुरक्षित थी भी या नहीं। आचार्य जी, हम सब कुछ तो नहीं जानते, इसीलिए हम आपके पास आए ताकि ताकि हम वो सब कुछ जान सके जो हम नहीं जानते। हम आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आचार्य जी, हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है, सच्चे मन से सीखना है आचार्य जी। राजन, हमारे हृदय में आपके लिए अपार सम्मान है, आप जैसे राणा बहुत कम होते हैं। वीर, पराक्रमी, साहसी, विद्वान होने के साथ साथ विनम्र भी हो, और इसी कारणवश हमें आपका आग्रह स्वीकार है। किंतु राजन, आपके इन राजकुमारों को इस आश्रम में प्रवेश कल सुबह प्रवेश परीक्षा की सफलता के उपरांत ही मिलेगा। संभव है कि ये परीक्षा में सफल ना हो पाए, विशेषकर ये। यदि ऐसा हुआ तो किसी भी प्रकार की राजकीय मुद्राएं या किसी भी प्रकार का राजकीय आतंक हमारे निर्णय में बदलाव नहीं ला सकता, चाहे हमें अपना आश्रम किसी और राज्य में क्यों ना ले जाना पड़े। आचार्य जी, मेवाड़ अपने गुरुओं का आदर करना अच्छी तरह से जानता है। कल हमारे राजकुमार आपकी प्रवेश परीक्षा के लिए अवश्य आएंगे। धन्यवाद। चलिए, जल्दी जल्दी करो, महाराज शीघ्र ही आश्रम से लौटने वाले हैं। महाराज के राजमहल पहुंचने से पहले हमें सारी तैयारियां पूरी करनी पड़ेंगी, शीघ्र करो। केश ढंग से बनाओ हमारे, ये क्या कर रही हैं आप? राणा जी के सामने मैसेज आएंगे, कुछ करो इनका। जाओ तुम लोग, आज अपनी जीजा के बाल हम सजाएंगे। कितनी सुंदर लग रही हैं, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। सच, मेवाड़ की सबसे सुंदर स्त्री हमारी प्रशंसा कर रही है, मानना तो पड़ेगा, नहीं तो कहां आप और कहां हम। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा जीजा, आपको पता चला कि कुंवर शक्ति और कुंवर विक्रम के लिए राणा जी ने किस गुरु को चुना है? हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, पर हमें कोई कह रहा था कि जयवंता जीजा ने जिनका सुझाव दिया था राणा जी ने उनको ही गुरु चुन लिया है। अब राणा जी भी देखिए ना,
हर बात में जयवंता जीजा के ही सुझाव लेकर निर्णय लेते हैं, फिर चाहे आपके बच्चों की शिक्षा की बात क्यों ना हो। अब आप ही बताओ बहना, भला हमारी भी सलाह कभी राणा जी ने ली है? छोड़िए, क्या पता जयवंता जीजा का सुझाव ही सही निकल जाए। सच जीजा, आपके बड़प्पन को प्रणाम करते हैं। यदि प्रश्न हमारे बच्चों के लाभ या हानि पर आ जाए तो हम तो किसी की न समझे। बड़ा कलेजा है आपका, आंख मीच कर सारी बातें मान लेती हैं। क्या कर सकते हैं, हम भी बस मन ही मन सोचते रहते हैं, काश हमारे मन में भी आप जितनी दृढ़ता होती। मन क्यों छोटा कर रही है चीजा, आप दो योग्य राजकुमारों की माँ हैं। समय आने दीजिए, फिर देखिए आपके लिए कुंवर शक्ति स्वयं राणा जी से बात करें। प्रणाम महारानी सा, तीज का झूला सज चुका है, किनके कक्ष में रखवाना है इसे? यशवी, आप बार बार एक ही प्रश्न पूछ रही हैं। हर वर्ष तीज का झूला बेना धीरबाई के कक्ष में ही रखा जाता है ना? अच्छा हुआ जो समय रहते ये प्रश्न पूछ लिया। इस वर्ष झूला हमारे कक्ष में नहीं, जयवंता जीजा के कक्ष में लगेगा। समझ गई ना? जी रानी सा। बेना, इस गौरव की असली अधिकारी तो जयवंता भाई सा ही है, फिर राणा जी को वहीं लौटना चाहिए। अब चलिए शिव पार्वती की पूजा करने का समय हो गया है, आइए। पति शंकर भगवान को प्रणाम। शंकर पार्वती की जय। शंकर पार्वती की जय। आज तीज का अवसर है, जाइए उल्लास मनाइए। बेना, आपने तीज का झूला हमारे कक्ष में रखवाया है? हाँ जीजा, नहीं रखवाना चाहिए था। नहीं, वो हर वर्ष तो आपके कक्ष में रहता है ना? जीजा, हम चाहते हैं कि आज की ये तीज आपके लिए विशेष अवसर बन जाए। विराजिए राणा जी। आइए बिना। नहीं जीजा, हम चाहते हैं कि इस वर्ष आप इस झूले पर बैठे। इस झूले पर बैठने का सच्चा अधिकार आपका है। जा रही आप जीजा? देना, आपने ही तो कहा था ना। रुकिए, हम बात करेंगे आपसे। बेना सज्जा, यहाँ आए ना हमारे पास। नहीं जीजा, हम जहाँ हैं वहीं संतुष्ट। और देश।
आचार्य जी ने कोई दूसरी नई चुनौती रख दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हो सकता है परसों हमें यह संतोष तो रहेगा कि हमने प्रयास किया ताकि मेवाड़ का ध्वज हमारे दुर्ग जितना ऊंचा रहे, फहराता रहे। हमें आचार्य राघवेंद्र जी से उनका मन, उनका विश्वास जीतना है सोम। हम चाहते कि वो हमें अपना शिष्य बनाकर अपना ज्ञान और प्रशिक्षण दे, तभी तो हम हमारी मातृभूमि की अफगान और मुगलों से भली प्रकार से रक्षा कर पाएंगे। धीर भाई जी, आज आपने जो भी किया हम आपका ये आभार कभी नहीं भूलेंगे। राणा जी, आप हमें शर्मसार कर रहे हैं। चलिए। नहीं, आज रात आप हमारे साथ नहीं आएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बेना? सही तो कह रहे हैं जीजा, इतने वर्षों हमने मेवाड़ की महारानी से तीज की रात तक में भी राणा जी को अपने पास रखा, आपसे आपका अधिकार छीना। अब हम अपनी भूल स्वीकार करके मेवाड़ की महारानी को अपना अधिकार लौटाना चाहते हैं। तभी तो मेवाड़ के राजमहलों में तीज का गौरव मना रहेगा। आइए सज्जा जीजा, हमें मेवाड़ के महाराणा और महारानी सा के एकांत में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बहना, आपने हमसे कहा था ना कि हमें साहस के साथ अपना अधिकार मांगना चाहिए, पर यहाँ तो जयवंता जीजा का। मेवाड़ की महारानी साहब, मेवाड़ की राजगद्दी पे किसका पुत्र बैठेगा जीजा? जयवंता भाई साहब, भावी मेवाड़ का नरेश कौन घोषित होगा? जयवंता जीजा का पुत्र ना आपका ना हमारा। हमारा ये कहना है कि जयवंता जीजा के पीछे रहने का अभ्यास आरंभ कर लेते हैं, इसी में सबका भला है। धीरबाई जी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी राणा जी। धीरबाई जी ऐसी ही, वो स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचती। कल का दिन कुंवर प्रताप के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हुकुम, आचार्य की परीक्षा के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रणाम दाजीराज। प्रणाम रानीमा। दाजीराज, आप यहाँ? हाँ कुंवर प्रताप, आज हम यहीं रुकेंगे। रानीमा, हम जो भी अभ्यास कर सकते थे हमने पूरे मन लगा कर किया, पर हमें अभी भी इस बात की चिंता हो रही है कि आचार्य जी हमें चुनेंगे या नहीं, कहीं हम उनकी परीक्षा में असफल हो गए तो। कुंवर जी, सफलता तिल भर सिखाती है तो असफलता पहाड़ भर। असल नुकसान तो असफलता का भय करता है, इसलिए असफलता के भय को सदा सदा के लिए अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है? जी रानी मां, हम प्रयास करेंगे। दाजीराज, हमें तलवार के आरंभिक चरण करके दिखाइए ना। वैसे कुंवर प्रताप, हमें नहीं लगता कि आचार्य जी परीक्षा में आपसे तलवारबाजी करवाएंगे। या फिर करके दिखाने के लिए बोल दिया तो? बताइए ना दाजीराज। लीजिए कुंवर प्रताप, तैयार हैं आप? जी दाजीराज। चलिए। यदि हुकुम को बड़ी महारानी साहब के पास भेजने से आपको इतना दुख हो रहा है
तो आपने हुकुम को वहां भेजा ही क्यों रानी साहब? तुम बताओ क्या करते हम? उस जयवंता को हमारी इच्छाओं के बारे में, हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे षड्यंत्रों के बारे में संदेह करने देते? उसके मन में जो संदेह का अंकुर फूट रहा था उसे तो कुचलना था ना याजी। उसकी नजरें हमसे हट जाए उसके लिए कोई तो मूल्य चुकाना था, ताकि भविष्य में जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें तो वो बीच में रोड़ा ना डाल सके। सब चीजों के लिए हमें ये मूल्य चुकाना था। अब आप आगे क्या करेंगे रानी साहब? आपने ने क्या सोचा है? अब जो तुमने कहा था हमसे, क्या कहा था तुमने हमसे? कि हम कुछ दिनों के लिए कुछ ना करें, शांत हो जाए कुछ दिनों के लिए। अब हम वैसा ही करेंगे। जब तक उस जयवंता की नजरें हमसे ना हटे, जब तक हम उन्हें पहले जैसी अच्छी ना लगने लगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। हमने निर्णय ले लिया है अजी, प्रताप के भावी नरेश बनने के मार्ग में अब हम सीधे सीधे स्वयं बाधा नहीं डालेंगे। रज्जा को हथियार बनाएंगे हम, उसके मन में राजमाता बनने की ऐसी इच्छा जगाएंगे कि शक्ति प्रताप का प्रतिद्वंदी बनकर सबकी दृष्टि में उभर आए। और प्रताप को चुनौती देने के लिए शक्ति का प्रताप की तरह महान होना आवश्यक नहीं है। हमें कब कब क्या करना है अब हमें पता है। सज्जा आएगी हमारे काम, शक्ति आएगा हमारे काम। से एक बार उस जयवंता का संदेह हमसे हट जाए तो खत्म कर देंगे हम प्रताप को सदा सदा के लिए। ऐसे कि किसी को भी हम पर अनेक संदेह ना हो। चलो अच्छा हुआ, धीर बाई जी पर जो हमारा संदेह था वो व्यर्थ निकला, है ना महारानी सा? संदेह गलत नहीं था, बल्कि हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि कुंवर प्रताप के विरुद्ध चाले धीर बाई जी ही चल रही हैं। वो कैसे महारानी सा? इतने वर्षों में धीर बाई जी ने राणा जी को एक बार भी अपने से दूर नहीं होने दिया और आज कर दिया, वो भी तीज की रात। क्यों? इसी वर्ष क्यों? क्योंकि वे चाहती हैं कि हमारे मन में उनके लिए कोई संदेह ना रहे। तो अब आप क्या करेंगे महारानी सा? कुछ नहीं, हम उनके खेल को उन्हीं के नियमों से खेलेंगे, चुपचाप बिना कुछ बोले उनकी अगली चाल की प्रतीक्षा करेंगे। और जिस दिन हमारे हाथ उनके विरुद्ध पक्के साक्ष्य आ जाएंगे, हम राणा जी के सामने उनका असली चेहरा लाएंगे। और देख लीजिएगा गिरजाधर, हम ये करके रहेंगे। प्रणाम आचार्य जी। हम कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति के साथ साथ सभी सम्मानित राजवर्गियों के पुत्रों को अपने साथ लेकर आए और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन्हें भी अपना शिष्य बनाएं और इन्हें शिक्षा दें, ताकि आने वाले समय में
मेवाड़ का शासन अधिक संस्कारी और अधिक शिक्षित हाथों में जाए, जो मेवाड़ की प्रजा को सच्चा सुशासन दे सके। राजन, आपने मेवाड़ नरेशों के संस्कारों के ही अनुरूप हम ब्राह्मण आचार्यों को जो सम्मान दिया है, उससे भी बढ़कर शिक्षा के लिए आपने राजकुमारों के लिए विशेष अधिकारों की हट ना करते हुए प्रजा के हित में सभी राजकीय बच्चों की शिक्षा का आग्रह किया है, उससे हमारा हृदय प्रसन्न हो उठा है। हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, राजकीय बालकों में और प्रजा के साधारण बच्चों में। हमारे आश्रम में प्रवेश लेने के पश्चात सभी बालक हमारे लिए केवल हमारे शिष्य ही होते हैं। इन सभी बच्चों का भाग्य आपके हाथ में है आचार्य जी। आपसे शिक्षा के लिए कौन योग्य है कौन नहीं, इसका निर्णय आपसे बेहतर और कौन ले सकता है? आप जो भी निर्णय लेंगे उसे हम सम्मानपूर्वक स्वीकार करेंगे। यदि आप इस आश्रम में हमसे परीक्षा लेना चाहते हैं, तो हमें प्रभावित करने का आपके पास एकमात्र यही अवसर है। आपके पिताओं को इसलिए आमंत्रित किया गया है ताकि यदि उन्होंने आपको लेकर मिथ्य धारणा बना रखी तो उन्हें सत्य का बोध होना चाहिए, उन्हें अपनी संतान का स्तर पता होना चाहिए। इस परीक्षा को सरल बनाकर ना ही हम आपका और ना ही आपसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखने वाले आपके पिताओं का अहित चाहते हैं। ध्यान रहे, ये परीक्षा केवल शारीरिक सामर्थ्य की नहीं बल्कि मानसिक और मस्तिष्क दृढ़ता की भी है। आप इस पंक्ति से परे हट जाइए। आपसे कहा कि आप इस पंक्ति से बाहर हो जाइए। आचार्य जी, ये तो केवल एक शब्द और। आपको इस पंक्ति से हटा के दर्शक दीर्घा में बिठा दिया जाएगा, समझ गए आप? यदि आपका मस्तिष्क एक झींग को आपके शरीर के नियंत्रण में नहीं रख सकता, तो युद्ध भूमि में आपके लिए विजय श्री नहीं मृत्यु ही तय है। और ऐसे शिष्यों की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा देने वाले सारे परीक्षार्थी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। झंडे का इशारा होते ही सभी परीक्षार्थी ये पानी से भरा हुआ पात्र अपने कंधे पर उठाएंगे और इस लकड़ी से बना हुआ पुल को पार करकर उस तरफ जाएंगे और वहां पर एक चिन्ह बना हुआ है जहां पर जाकर आपको खड़ा हो जाना है। और एक बात, पानी की एक बूंद भी झलक कर धरती पर नहीं गिरनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो उस परीक्षार्थी को अयोग्य माना जाएगा। ये परीक्षा आपकी संयम की ही नहीं बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा है। क्या बात है सज्जा जी, इतनी चिंता में क्यों लग रही है?
बहना, हमारे मन में एक ही चिंता बार बार घुमड़ रही है, हमारे कुंवर शक्ति परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं। असफलता तो उनसे पछती ही नहीं आसानी से, हम बहुत बेचैन हैं। सज्जा बेना लीजिए, बेर लीजिए, दासी बता रही थी ये सबसे मीठे बेर हैं, लीजिए। जीजा, हम आपसे एक प्रश्न पूछिए। इतनी सारी योग्य दासियों के होते हुए भी क्यों हर वर्ष हम अपनी आंखों के सामने खुद खड़े रहकर मसाले पिसवाते हैं, यही पूछना चाहती है ना आप? हमें आनंद मिलता है इसमें सच्चा बेना, इसलिए बेर तो लीजिए। जीजा, वैसे हम आपसे ये नहीं पूछ रहे थे, हमारे पुत्र आचार्य जी के आश्रम में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने गए हैं, आप कैसे बिना किसी चिंता के आराम से हंसते हंसते यहाँ मसाले पिसवा रही हैं? कैसे जीजा? क्योंकि जीजा जानती हैं कि कुंवर प्रताप ही सफल होंगे। अब इतनी उपलब्धि और ख्याति को लेने के बाद इस परीक्षा में क्या रखा है ना जीजा? भले ही आपने कितनी ही सफलता है क्यों ना पाली हो, हर परीक्षा एक चुनौती होती है। पर बेना, यदि माता पिता ही अपने बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास ना करें तो फिर कौन करेगा उन पर विश्वास? हम तो सदा ही अपने बाल गोपाल से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे प्रताप और शक्ति को किसी की नजर ना लग जाए। चिंता मत कीजिए बेना सज्जा, कुंवर शक्ति भी इस परीक्षा में अवश्य सफल होंगे।